मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित सरकारी कमला नेहरू बाल चिकित्सालय में सोमवार रात को आग लग गई। इस हादसे में अब 4 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि अस्पताल के बाल वार्ड में आग की घटना बेहद दुखद है। भोपाल में कमला नेहरू अस्पताल के बाल वार्ड में आग लगने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान द्वारा की जाएगी। अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग की घटना बेहद दुखद है। बचाव कार्य तेजी से हुआ, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश पहले से गंभीर रूप से बीमार होने पर भर्ती 3 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। राज्य में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि कमला नेहरू अस्पताल में बाल वार्ड में आग लगने से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। उन्होंने कहा कि घटना के समय वार्ड में 40 बच्चे थे, जिनमें से 36 सुरक्षित हैं। प्रत्येक मृतक के माता पिता को 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इससे पहले आग लगने के बाद अस्पताल के बाहर अफरा तफरी मच गई। विषय है कि 4 बच्चों की मृत्यु हुई है। भाई इसको मेरे इधर कर लो ना, धक्का क्यों दे रहा हूँ कैमरे को यार। मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। SES मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ मोहम्मद सुलेमान जी इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। जांच के बाद ही वस्तु स्थिति पता लगेगी, पर हमारी प्राथमिकता थी कि हम बाकी बच्चों को बचा सके और हमने माइक नीचे कर लो ना, बचाया है। जैसा आपने बोला, 4 घंटे से मैं स्वयं भी अंदर ही था। सब बच्चे सेटल हो गए हैं, सभी बच्चों को दूसरे वार्ड में और सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया गया है। माने जो गए हैं उनके लिए बहुत संवेदनाएं हैं, उनकी भरपाई तो की नहीं जा सकती, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनके पेरेंट्स को 4,00,000 की सहायता की घोषणा की। जैसा मैंने कहा, वो तो लाए नहीं जा सकते, उस दुख की भरपाई नहीं हो सकती। 4,00,000 रुपए की घोषणा। सर कोई टीम बना रहा है क्या इसके लिए? अब देखिए, इस समय पर किसी भी तरह के इल्जाम, किसी भी तरह के बातें करना ठीक नहीं है। जैसा मेरी प्रायोरिटी थी, मैं तो स्वयं 10 मिनट के अंदर पहुंच गया, सीधे अंदर वार्ड में पहुंच गया था। हमने बच्चों को उठाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। इस समय पर मुझे लगता है कि हम कोई भी बात करेंगे तो वो जल्दबाजी। सर कितने के बच्चे अभी क्रिटिकल है, कुछ बता चल पा रहा? कितने जिस प्रकार से मैंने बताया, कंधे पे रखा बहुत ज्यादा। सुलेमान जी तो हमारे ACS है, जांच करेंगे। लेकिन मंत्री जी अभी क्लियर हुआ हो कोई पॉइंट की कितने क्रिटिकल बच्चे कितने क्रिटिकल है? सर बच्चे कितने? 40 बच्चे थे, जिसमें से मैंने बताया 4 की मृत्यु हो गई। क्रिटिकल कितने हैं मंत्री जी? कितने क्रिटिकल, कितने बच्चे अभी? बच्चे क्योंकि SNCU में सभी। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।